एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए। वो मैं अक्सर आपको यहाँ से गुजरते हुए देखता हूँ, काफ़ी बार बात करने का भी मन हुआ लेकिन कर नहीं पाया। आज मैंने सोचा कि बात कर ही लेता हूँ। बोलो। वो क्या है ना, मेरी मम्मी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, लेकिन मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे मैं शादी करूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ हो सकता है। सुना तो था कि ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया है, लेकिन इतना मॉडर्न हो गया है कि अब एक लड़का बीच सड़क पर किसी भी लड़की से ऐसे शादी के लिए हाथ मांगेगा, आइडिया नहीं था। अरे नहीं नहीं, शादी की इतनी जल्दी नहीं है, पहले मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तुम्हें अच्छे से देखूंगा, फिर सोचूंगा शादी के बारे में। और सुनो, पैसा मेरे पास इतना है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, तुम्हारे लिए भी और तुम्हें भी। तुम इतनी घटिया बात करोगे, मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकती। एक सेकंड, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो ऐसे चुटकियों में हाँ कर देती, तुम्हें क्या हुआ है? सब लड़कियाँ अलग होती हैं, सबकी चॉइसेस अलग होती हैं, सबका स्टैंडर्ड होता है, तो मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड समझ गया, ये लो पूरे 50,000 है। 50,000 कम है, चलो 50,000 और। तुम्हें क्या लगता है मैं ये पैसे देखकर तुम्हें हाँ कर दूंगी? एग्जैक्टली, मुझे पहले से पता था कि तुम पैसों को लेकर ड्रामे जरूर करोगी, इसलिए मैं और भी कैश लेकर आया हूँ साथ में। तो रखो अपना कैश अपने पास, और तुम जैसे लड़के से शादी करूंगी मैं? हाँ, तुम जैसे लड़के से बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ मैं, शादी तो बहुत दूर की बात है। अकड़ तो ऐसे दिखा रही हो जैसे पता नहीं लाइफ में क्या उखाड़ लिया। अरे हाँ कर दो, अच्छा लगा तो शादी कर लूँगा, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी, और अच्छा नहीं लगा तो इतने पैसे तो दे ही दूंगा कि तुम्हारा साल 6 महीने का खर्चा निकल जाएगा। पर मैं क्यों शादी करूँ तुम जैसे बदतमीज लड़के से जो बीच सड़क पर किसी अनजान लड़की को छेड़ रहा है? छोड़ो यार, ये गाड़ी देख रही हो, लाखों की है और अभी नई खरीदी है, अगर हाँ कर दोगी तो इसमें बिठा कर घुमाऊंगा, ऐसे पैदल रोड पे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे तुझे। और ये पीछे सोसाइटी है ना, इसमें मेरा एक फ्लैट भी है पूरे 3 करोड़ का। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई बहन है? बहन? हाँ है। तो एक काम करते हैं, तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से करवा दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, सो सिंपल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अपनी औकात में रह के बात करो। मैं अपनी बहन की शादी तुम जैसे खानदान में कराऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जितना पूछा है उतना जवाब दो, हाँ या ना। हड़ में जाओ तुम। ये गाड़ी मेरी है, और इस सोसाइटी में तुम्हारा एक फ्लैट है ना, मेरे 4 है। इतना सब कुछ तुम्हारे पास, लेकिन कैसे? मैं एक बिजनेस वुमैन हूँ। हाँ सब कुछ मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूँ, जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ। जब मैंने सब कुछ शुरू किया था मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, मुझे डाउन फील कराने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी और अपने गोल पे फोकस रखा, और देखो आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। और हाँ तुमसे एक बात ज़रूर बोलूँगी, जो लोग शो ऑफ करते हैं ना, तो असल में उनके पास कुछ होता नहीं है, जो भी कुछ होता है उसके बाप का होता है, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारे बाप के पैसे हैं और तुम इस पर उछलते रहते हो। और हाँ नेक्स्ट टाइम किसी लड़की से बात करने जाओ या प्रपोज करो ना, तो उसे अपने ये पैसों की धौंस मत दिखाना, जरा प्यार से बात करके देखना, क्या पता मान जाए।